आरंभ श्री संस्था द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किरण नगरी निजामुद्दीन कॉलोनी भेल भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। कथावाचक पंडित सिद्धांत महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। समिति के संरक्षक देवेंद्र योगी ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सफल आयोजन में सभी ने तन मन धन से सहयोग किया। संदेश यही देना चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन विदाई के पावन अवसर पर आज सुदामा जी का आचरण और जो भी कथावाचक हमारे सिद्धांत जी महाराज जी ने आज जनता के और भक्तों के बीच में जो बात रखी गई, हमारे किरण नगर के सभी भक्तों ने उसको स्वीकार करके अपनाया भी है। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पे हमारे बीच में जजमान श्री रवि शुक्ला जी और मीना शुक्ला जी भी उपस्थित रहे और शिव कालका मंदिर प्रांगण के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का एक हमने प्रचार प्रसार इसलिए किया कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पे माँ जगत जननी के दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आयोजन तो बहुत होते हैं और आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी, मगर इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि माँ जगत जननी के दरबार में श्रीमद् भागवत कथा माता जी को सुनाई गई। उन्हीं के साथ में सभी भक्तों ने भी लाभ लिया और भक्तों ने आनंद के साथ में बहुत ही मौज मस्ती के साथ में इसको या हमारे कॉलोनी के सभी भक्तों के द्वारा जो है सुनिश्चित और निश्चित किया गया था कि भागवत कथा हम लोग हर बार सुनते हैं और सभी भक्त सुनते हैं, क्यों ना इस बार नवरात्रि के इस पावन पर्व को एक अलग अंदाज में किया जाए, जो कि धर्म आस्था को बढ़ाने का माध्यम जो रहा है कि माँ जगत जननी भी कृष्ण भगवान की भागवत कथा सुने। क्योंकि हमें कभी सुनने को भी आता है कि माँ दुर्गा जी के भाई कहलाते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो हमने भी इसी विचार को करते हुए शिवकाल का मंदिर प्रांगण के माध्यम से श्री रमेश योगी सागर भाई के सानिध्य में हमने यह आयोजन को किया।